शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल गोपालगंज और मोकामा इन दो विधानसभा सीटों में आज उपचुनाव हुए। इसी से जुड़ी बड़ी खबर, 6 बजे तक 52.38% वोटिंग हुई है। ये 52.38% वोटिंग 6 बजे तक गोपालगंज और मोकामा दोनों ही सीटों की अगर एवरेज निकालें, दोनों ही सीटों का ये प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। सबसे ज्यादा वोटिंग मोकामा में हुई है। मोकामा में 6 बजे तक 53.45% वोट डाले गए हैं, जबकि गोपालगंज में इससे कम यानी शाम 6 बजे तक 51.48% मतदाताओं ने ही अपने मत का प्रयोग किया है। इन आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, क्योंकि फाइनल जो आंकड़ा है वो थोड़ी देर बाद आएगा और तभी फाइनल रिजल्ट इन मतदान प्रतिशत का बताया जा सकेगा। फिलहाल की स्थिति 6 बजे तक के हिसाब से 52.38% और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। और अगर एक बार फिर से आपको मोकामा का बताएं तो 53.45% लोगों ने वोट डाले और गोपालगंज में 51.48% मतदान हुआ है। अनुमानित हम लोग का वोटर टर्नआउट रिपोर्ट जो है वो गोपालगंज के लिए 51.48 है और मोकामा के लिए 53.45 है। मैं आपको आप लोगों को बताना चाहता हूँ, गोपालगंज में 2020 इलेक्शन में 55.03 हुआ था, तो अभी हम लोगों का अनुमानित 51.48 है। दोनों मिलाकर के हम लोगों का 52.38 है। दोनों विधानसभा क्षेत्र का उपनिर्वाचन में हम लोगों का कुल मतदान प्रतिशत 52.38।